बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 5 से 6 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। फ्रॉक के लिए मैंने कपड़ा लिया 2 गज। इससे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। पहले बुकरम से गले की कटाई कर लूंगी, गोल सर्कल तैयार कर लूंगी। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने लिया 11-11 इंच। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे गुलाई में निशान लगा लूंगी। साढ़े 5-5 इंच पे नीचे निशान लगाऊंगी मैं। अब इसकी गुलाई कर लूंगी निशानों पे, गुलाई में लाइन ड्रा कर लूंगी। अब इसकी कटाई कर लूंगी। अब इस पे 3-3 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये मैंने गोल सर्कल तैयार कर लिया। अब इसके दरमियान में एक निशान लगाऊंगी। अब मैं फ्रॉक की कटाई कर लूंगी। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसे ए लाइन शेप दे दूंगी। ये जो मैंने सर्कल तैयार किया था इसे इस तरह से रखूंगी और इसका नाप लूंगी। ये मैंने जो निशान लगाए थे इससे मैं 1 इंच ज्यादा रखूंगी, क्योंकि मैंने दरमियान में हल्की हल्की चोट्स डालनी है यहां तक। अब यहां पे निशान लगाऊंगी। यहां से नाप लूंगी, यहां से ये 8 इंच है। 8 इंच पे दरमियान में निशान लगाऊंगी और इस साइड पे भी 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। इस तरह से अब इसकी कटाई कर लूंगी यहां से। इसकी लेंथ मैंने ले ली है 23 इंच। हल्का सा यहां से कपड़ा कम है, 23 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और इसी तरह गुलाई में निशान लगाती जाऊंगी। अब इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लूंगी यहां से। अब इस पीस क...
का ये वाला कपड़ा जो है निकाल लूंगी। सीधी साइड इसके ऊपर रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से इसकी कटाई कर लूंगी। अब इस पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लूंगी, दोनों पीसों को इसके साथ अटैच करूंगी। इस तरह से रखते सिलाई लगाने के बाद ऐसे मोड़ दूंगी। अब ये नीचे से जो पीस उतरा था इससे मैं बाजू तैयार कर लूंगी। इस तरह से रख के कंधे का नाप लूंगी। हल्की हल्की चोट से मैं बाजू पे भी डालूंगी, एक इंच मैंने ज्यादा लिया है। यहां पे निशान लगा लूंगी। सात इंच पे इसकी गुलाई करूंगी इस तरह से रखते हुए। इसकी लंबाई मैंने नीचे से रखी है 7 इंच। यहां से हल्की सी कटाई करूंगी। सर्कल के नीचे मैंने कपड़ा अटैच कर दिया है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कपड़े की कटाई की है। आधा आधा इंच साइडों पे मैंने कपड़ा छोड़ा है, दरमियान में भी आधा 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 इंच छोड़ा है। इस तरह से इसके साथ चोटी डालूंगी यहाँ पे और इसके साथ इसे अटैच करूंगी। यहाँ पे भी हल्की हल्की चोट डालूंगी और इसको दरमियान में अटैच करूंगी। इस कपड़े के साथ इसे अटैच करूंगी इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूंगी। अब मैं दरमियान वाला कपड़ा इसमें से निकाल लूंगी। अब इसे सेट करते हुए इसका अजाफी पीस उतार दूंगी। अजाफी पीस मैंने उतार दिया। अब मैं बाजू अटैच कर दूंगी। पहले ये वाली बाजू अटैच करूंगी इस तरह से रख के यहां पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरा बाजू भी अटैच कर लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अटैच कर लूंगी।
फ्रंट और बैक और बाजू पे हल्की हल्की चोट डालोगे दरमियान में, डेढ़ इंच यहाँ से मैं छोड़ूंगी, बाजू के साथ में से डेढ़ इंच छोड़ के फिर चोट डालूंगी। चोट्स डालने के बाद अब मैं इसके दरमियान में ये सर्कल अटैच करूंगी। इस तरह से रखते हुए ये मैंने निशान लगा लिए थे यहाँ पे। अब इन निशानों के साथ साथ यहाँ से मिलाऊंगी ऐसे और सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरी साइड से भी यहाँ तक मिला के सिलाई लगाऊंगी, फिर इस साइड पे भी यहाँ तक इस सिलाई तक मिला के सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं ये सारी सिलाई लगा लूंगी। अब इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए ये वाला कपड़ा ऊपर इस तरह से रख के फ्रंट साइड पे सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ऐसे रखूंगी इस कपड़े को और यहां पे सिलाई लगाऊंगी। बाजू के फ्रंट पे मैंने हल्की हल्की सिलाई लगा ली है, अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद घेरे को हल्का हल्का फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बहुत ही आसानी से इस तरह से हम फ्रॉक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। बैक साइड इसकी बिल्कुल ही सेम है, मैंने हल्की हल्की चोट्स डाली है यहाँ तक डेढ़ इंच, यहाँ से मैंने छोड़ के चोट्स डाली है। मैंने इसकी लंबाई रखी है 27 इंच। ये 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।